आरा में आज शाम एक बीजेपी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के बाद जमकर बवाल मचा। मामला मुफस्सिल थाने से जुड़ा है। गिरफ्तारी की बात सुन मौके पर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने खदेड़ दिया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। जानकारी के मुताबिक मुफस्सिल थाना अध्यक्ष रविंद्र राम ने इलाके के बड़की सनदिया स्थित बूथ संख्या 6970 के पास से दीपक पांडे नामक बीजेपी कार्यकर्ता को हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मुफस्सिल थाना अध्यक्ष उसे लेकर मुफस्सिल थाना पहुंचे। घटना के सूचना मिलते ही बीजेपी के स्थानीय नेता कार्यकर्ता मुफस्सिल थाना पहुंचे। बकौल बीजेपी नेता, उनके पहुंचते ही मुफस्सिल थाना अध्यक्ष ने मौजूद पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें खदेड़ दिया और लाठियां चलवा दी। बीजेपी नेताओं के मुताबिक मुफस्सिल थाना अध्यक्ष ने इस दौरान भय फैलाने के लिए थाना परिसर में एक राउंड फायरिंग भी की। फिलहाल घटना की सूचना मिलने के बाद भोजपुर SP मामले की जांच के लिए मुफस्सिल थाना पहुंचे और वहीं गिरफ्तार बीजेपी नेता दीपक पांडे को पुलिस ने छोड़ दिया। एक बड़की सनदिया का बीजेपी का कार्यकर्ता है, दीपक पांडे, जो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करा रहा था, मतदान केंद्र के बाहर था वो लड़का, और ये थाना प्रभारी जो है इंस्पेक्टर माले का कार्यकर्ता के रूप में दिन भर इसका शिकायत आते रहा। माले के लिए ये काम कर रहा है, वहाँ से उठा करके हमारे कार्यकर्ता को अपने थाना में लाया। कुछ कार्यकर्ता वहाँ बात करने गए, छुड़ाने के लिए गए, उन पर लाठी चलाना शुरू किया। जब प्रतिरोध हुआ तो इसने गोली चलवा दिया। अभी की घटना है, और जब लोग यहाँ उपस्थित हुए, हमारे कार्यकर्ता जब आना शुरू हुए तो इसने रोड पर दौड़ा दौड़ा कर लोगों को पीटा। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता को, आम पब्लिक को भी इसने दौड़ा दौड़ा करके पीटा है। सड़क के किनारे पुलिस हाँ गोली भी चलाया। हम लोग चाहते हैं, चुनाव आयोग से मांग करेंगे, इसको तुरंत प्रभाव से इसको हटाया जाए, ये थाना प्रभारी सस्पेंड किया जाए, ये थाना प्रभारी किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। SP को सूचना हम लोग दिए हैं, SP वहाँ उपस्थित है थाने के अंदर, और उनके उपस्थिति में लाठी चार्ज हुआ है। राजेंद्र